अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज फूड व्लॉग्स में सिद्रा खान आपके साथ शेयर करने वाली है बर्गर बंस की रेसिपी। है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेकरी जैसे बिल्कुल बेकरी स्टाइल के जो बर्गर बंस हैं वो आप घर में कैसे बनाएं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट ही आपके बर्गर बन बन जाते हैं। और फिर आपको जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बाहर से बर्गर बन कभी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें बर्गर बन की नीड होती है जब हम घर में जिंगर बर्गर बना रहे होते हैं, सिंपल ही बर्गर हम बना रहे होते हैं, तो इसके में नीड पड़ती है। आप इसको सिंपल चाय के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है 600 ग्राम, और मैंने उसको अच्छे से स्ट्रेनर करके साइड पे रख दिया था। और यहाँ पे मैंने बड़े लार्ज साइज मग में मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क। मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क लिया है, 1.5 से 2 कप मिल्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हम दूध यूज़ करेंगे वो हमने नीम गरम लेना है, बिल्कुल हल्का गरम जो दूध होता है। और उसके अंदर जस्ट हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, और इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच जो है 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर यीस्ट खमीरे के यूज़ करेंगे। रोज़मर की खमीर ले लें जो एक साशे में आती है, वो पूरा साशा इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो 1.5 खाने का चम्मच होता है। और उसको हमने मिक्स करके अच्छे से साइड पर रख दिया है। हम इसको 3 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे जब तक ये अच्छे से जो इसके अंदर खमीरा और मिल्क है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास मैदा था उसके अंदर मैंने जस्ट सॉल्ट ऐड किया है टू टेस्ट, और इसके अंदर हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, और या आप कुकिंग ऑयल वेजिटेबल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 एग, और डायरेक्टली आप इसके अंदर एग तोड़ के डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। और जो हमारा ये लिक्विड जो मिक्सचर है इसके साथ हमने इसको अच्छे से घूनना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है और इसको इस तरीके से घूनना है, इस फॉर्म में हमने इसको लेके आना है कि जो ये हमारा डो है ये थोड़ा स्टिकी हो। देखें, जो आपने नॉर्मली आप जो आटा घूनते हैं आपने वैसा इसको डो को नहीं घूनना है, हमने इसको ड्राई फॉर्म में नहीं रखना है। हमने जो इसको घूनना है तो ये थोड़ा जो इसका जो डो है थोड़ा स्टिकी थोड़ा जूसी होना चाहिए कि आपके हाथों पे ये चिपकना चाहिए। अगर ये आपके हाथों पे चिपकता है और काफ़ी स्टिकी है तो आपके जो बर्गर बंस हैं वो भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे और टेस्टी बनेंगे और सॉफ्ट होंगे। आप हाथों पर ऑयल लगा कर और इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसको हमने अच्छे से सेट कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे कम से कम 30 to 20 मिनट्स के लिए। आपने इसको बहुत ज़्यादा भी देर के लिए नहीं रखना है। याद रखें, जब भी आप खमीरे से रिलेटेड कोई भी डोनट बनाते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं तो जो उसकी आप डो घून के रखते हैं तो उसको जल्दी यूज़ कर लिया करें। आप इसको फ्रिज में रख दें अगर गर्मियां हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप इसको बाहर ही आधे घंटे या 20 मिनट्स के लिए रख सकते हैं जब तक ये बिल्कुल राइज नहीं हो जाता है। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, फिर उससे जो उसका टेस्ट है वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ज़्यादा मज़े का टेस्ट नहीं आता है उसके अंदर। फिर आपको खमीरे की जो एक स्मेल होती है वो आती है। तो आपने जैसे इसको आधे घंटे के लिए रखना है और उसके बाद आपने इसको फ़ौरन यूज़ करना है। हमने आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया था और उसके बाद इसको हमने अच्छे से नीट करना है। डो को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा आपने डस्ट किया मैदे का और फिर आपने इसको अच्छे से नीट कर लिया। और फिर इसको हमने छोटे छोटे जो पेड़े होते हैं जैसे हम पराठे के लेते हैं ऐसे हम बना लेंगे। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, आप राउंड शेप में बना सकते हैं, आप लंबाई में बना सकते हैं, आप किसी भी शेप में इसको बना के और आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, आपने मेरी दूसरी वीडियोज़ में देखा होगा। और हमने इसको सेट करके हमने एक बड़ी सी पतीली ली है और देखिए, और इसके अंदर मैंने हल्का सा ग्रीस किया था ऑयल का और मैंने यहाँ पे इनको सेट करके रख दिया। हमने इनको थोड़ा स्पेस से रखना है दूर, क्योंकि ये जब दोबारा से ये जब ये फूलेंगे तो ये इनका साइज़ डबल हो जाएगा। फिर हमने इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए सीसम सीड्स, जो हमारे तिल होते हैं वाइट तिल वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर ब्लैक जो कलौंजी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, आप ब्लैक तिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ना डबल हो गए हैं। और फिर हम इसके ऊपर एग वॉश करेंगे, हमने हल्का सा इस पर एग वॉश करना है। एग वॉश जो हम करते हैं उसका तरीका यही है, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, जस्ट हम जो अंडा होता है उसकी जो येलो पार्ट होता है जस्ट हम वो लेंगे। हमने पूरा एग नहीं लेना है, हमने जस्ट येलो पार्ट लिया और उसके अंदर हमने जस्ट 1 टेबल स्पून हम मिल्क के ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और उसको हमने ब्रशेस के साथ अच्छे से लगा लिया है। आप किसी भी चीज़ पे गोल्डन कलर लेके आना चाह रहे हैं तो आप यही यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हम स्टोव पे बेकिंग करते हैं, चूल्हे पे अपनी बेकिंग करते हैं तो हमारे पास वो सेम कलर नहीं आता है।
तो जो हम बेकिंग के ओवन में यूज़ करते हैं, अगर हम ओवन में ये चीज़ बना रहे होंगे तो हमारी सेम वैसी चीज़ बनेगी, लेकिन इसमें भी सेम वैसी ही बनेगी, लेकिन आपको इसको टर्न करना पड़ेगा। अगर आप इसको गोल्डन कलर लेके आना चाह रहे हैं, आप देख रहे थे स्क्रीन पे, मैंने इसको टर्न किया है और फिर ये हमारा देखें रिज़ल्ट बिल्कुल अमेजिंग है, बिल्कुल हमारी ये बेकरी जैसे जो बर्गर बने हैं वो बने हैं। और आपने इसको जस्ट 30 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है और 15 मिनट्स के बाद आप इसको टर्न कर दें और आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे और फिर आप बाहर से जो बर्गर बने हैं वो बनाना मंगवाना भूल जाएंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और आपकी आप इससे इस बर्गर बन से आप कोई सी भी रेसिपी बना सकते हैं। आप अपने जिंगर बर्गर बना सकते हैं और इसके अंदर कटिंग करके आप इसके अंदर चीज़ वगैरह डाल लें और उसको मेल्ट कर लें, वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर लें। आप उसको इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, जो ओपन सैंडविच है वो बना सकते हैं, बर्गर सैंडविच इसके बना सकते हैं और बहुत सी इसकी डिशेज़ बन सकती हैं। आप इसको नॉर्मली चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये। और आप इसकी अपनी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा दें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।